आफ्ताब के अब पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, टेस्ट के लिए एफएसएल की टीम ने अब पेपर वर्क भी शुरू कर दिया है और आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है और किसी भी वक्त आफ्ताब को अब दिल्ली पुलिस की ये टीम लेकर पहुंच सकती है। हमारी सहयोगी ऋतु जिस तरीके से एफएसएल लैब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, उन्होंने ही सबसे पहले कल बताया कि फिलहाल नार्को टेस्ट से पहले कुछ और टेस्ट होने बाकी हैं। ऋतु, फोरेंसिक जांच जिस तरीके से पूरे मामले की हो रही है वो इन कड़ियों को ही जोड़ती नजर आ रही है। देखिए सुरभि, पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। जहां एक तरफ जो तमाम सबूत मिले हैं, चाहे वो तालाब से हो या फिर गुरुग्राम में आरोपी आफ्ताब के ऑफिस के बाहर से, उन सबूतों की जहां एक तरफ सीएफएसएल में जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेंसिक टीम है वो इस प्रक्रिया को पूरे तरीके से समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफ्ताब ने किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और इसके लिए सबसे जरूरी है उससे कुछ सवालात करने, जिससे ये पता चल सके कि आखिर उसने कब, कहां, क्या, कैसे किया। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज जो है संभवतः उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई भी अधिकारी एफएसएल के ये कहने को तैयार नहीं है कि आज ही होगा, लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि अंदर पेपर वर्क शुरू कर दिया गया है, ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि आज ही संभावना है कि पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा आफ्ताब का। और क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट में दरअसल 2 दिन लगेंगे पूरी प्रक्रिया को पूरे होने में, तो आज संभवतः शुरू हो जाएगी पॉलीग्राफी टेस्ट और कल भी ये जारी रहेगी। उसके बाद फिर अंबेडकर अस्पताल में जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होना है, उसके बाद ही नार्को की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रहा है, आने वाले दिनों में नार्को भी होगा, डीएनए सैंपल्स के बाद जांच को लेकर भी प्रक्रिया आगे जारी है। इस पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन आज बड़ी खबर यही सामने आ चुकी है जहां दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि 80% जांच पूरी हो चुकी है।